डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था सिंगल एंट्री के टॉपिक को, जिसमें हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि बेसिकली सिंगल एंट्री सिस्टम से क्या मुराद होती है। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस किया था और आज हम लोग इसके एक मजीद बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ जाना जा रहे हैं, जिसके ऊपर आपका पूरा सिंगल एंट्री का टॉपिक जो है वो बेस करता है। हम ये मालूम करने जा रहे हैं कि अगर हमें सिंगल एंट्री सिस्टम से प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए क्या तरीकेकार हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर अकाउंटिंग तो नहीं की जाती जैसे डबल एंट्री सिस्टम में होती है। डेबिट क्रेडिट हर चीज को यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता, तो जब हमारे पास हर इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है तो हम अपने प्रॉफिट और लॉस को किस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कोई ऑल्टरनेट तरीका है या वही तरीका है, किस तरीके से हम अपने प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम इस लेक्चर में इसी बात को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इस वक्त एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप लोगों के सामने मौजूद है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में बैलेंस शीट पढ़ी है तो ये उसका फॉर्मेट होता है, और अगर आप लोगों ने बैलेंस शीट नहीं पढ़ी तो बस इस बात को जहन में रखिए कि बैलेंस शीट की दो साइड्स होती हैं। एक लेफ्ट साइड होती है जिस पर आप अपने तमाम एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, और एक राइट साइड होती है जिस पर आप अपनी तमाम इक्विटीज को रिकॉर्ड करते हैं। एसेट्स में क्या चीज़ें लिखते हैं? एसेट्स में आप सबसे पहले हेडिंग डालते हैं करंट एसेट्स की, इसके बाद जितने भी करंट एसेट्स होते हैं आप वो तमाम करंट एसेट्स यहाँ पर क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। जैसे कैश हो गया, अकाउंट रिसिबल हो गया, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हो गई, प्रीपेड हो गए, ऑफिस सप्लाईज हो गई, ये सब आपके क्या हैं, करंट एसेट्स। उन तमाम करंट एसेट्स को आप यहाँ पर लिखते जाते हैं और उनके अमाउंट को आप लिखते जाते हैं, उसके बाद आप उसका टोटल कर लेते हैं। जब करंट एसेट्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आप एक नीचे हेडिंग डालते हैं फिक्स एसेट्स की, इसके बाद जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं आप वो तमाम फिक्स एसेट्स इस हिस्से में क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। तमाम फिक्स एसेट्स आपने लिखे यहाँ पर, उसके बाद आप छोड़ देते हैं इसको। इक्विटी साइड पर आते हैं, इक्विटी साइड पर आप सबसे पहले क्या लिखते हैं, आप अपनी सबसे पहले लिखते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में जो भी आपके पास लाइबिलिटीज हो, अकाउंट्स पेबल हो, नोट्स पेबल हो, सैलरीज पेबल हो, अनर्न्ड हो, कुछ भी कोई भी लाइबिलिटी हो, आप तमाम लाइबिलिटीज यहां पर क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो मैं आज आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसकी बुनियाद पर आपका पूरा सिंगल एंट्री का टॉपिक बेस करेगा, उसको समझिएगा। अगला जो हिस्सा होता है वो आपका होता है ओनर्स इक्विटी का। आप यहाँ पर हेडिंग डालते हैं ओनर्स इक्विटी की, यानी मिल्कियत, मालिक का हक। इसमें क्या बातें लिखते हैं उसे समझिएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ी फर्स्ट ईयर में बैलेंस शीट वो भी समझ लीजिए, जिन्होंने पढ़ी है, जिनको याद है, उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। आप यहाँ पर सबसे पहले लिखते थे अपना कैपिटल, यानी जो पैसा आपने कारोबार में लगाया उसे आप क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। अच्छा, कारोबार शुरू करने के लिए आप जो पैसा कारोबार में लगाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, सर हम उसे कहेंगे कैपिटल एट स्टार्ट, यानी साल के शुरू में जो पैसा था या कारोबार को शुरू करने के लिए हमने जो पैसा लगाया। थोड़ी देर के लिए हम अज्यूम करते हैं कारोबार हमने अभी शुरू किया, तो कारोबार को शुरू करने के लिए हमने जो पैसा कारोबार में लगाया, इन्वेस्ट किया, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कैपिटल। जो भी पैसा आप कारोबार में लगाते हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल, और क्योंकि कारोबार को शुरू करने के लिए लगा रहे हैं तो उसे हम कहेंगे कैपिटल एट स्टार्ट, यानी कारोबार को शुरू करने के लिए जो पैसा लगाया था वो कितना लगाया था, सर हमने 3 लाख रुपए लगाया था। आप घर गए, आपने घर से कहा अम्मी मुझे 3 लाख रुपए दे दे, मुझे कारोबार शुरू करना। अम्मी ने बोला 3 लाख तो ऐसे मांग रहे जैसे लॉलीपॉप के लिए पैसे मांग रहे हो। बहरहाल अब्बू आ जाए रात को, अब्बू से ले लेना। तो आपके वाले साहब आ गए रात को, आपने वाले साहब से कहा अब्बू अब्बू मुझे 3 लाख रुपए चाहिए, मुझे कारोबार शुरू करना है। अब्बू ने कहा 3 लाख तो ऐसे मांग रहे जैसे लॉलीपॉप खाने। तो बहरहाल आपके वाले साहब ने रोज होने के बाद जो आपको 3 लाख रुपए दे दिए, आपने 3 लाख रुपए से अपना कारोबार शुरू किया, आपने कारोबार में इन्वेस्ट किए 3 लाख रुपए। अच्छा, अब आगे कहानी सुनिएगा, मैं नीचे एक और पॉइंट लिखने जा रहा हूं, देखिएगा लिखा है मैंने यहां पर एड प्रॉफिट 1 लाख रुपए। जब आप कारोबार ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, ठीक है, तो सपोज आपने कारोबार पूरे साल चलाया, जनवरी में कारोबार शुरू किया, दिसंबर 31 में आपका कारोबार खत्म हुआ, वाले साहब पूछ रहे हैं आप बेटा इधर आओ, जरा बैठो, कभी कभी घर वालों के साथ भी बैठ जाया करो। आपने बोला जी अब्बू, बोलिए। अब्बा ने पूछा कि बेटा मैंने आपको 3 लाख रुपए दिए थे, आपने बोला हाँ बिल्कुल दिए थे। अब्बा ने पूछा कारोबार शुरू किया, आपने बोला हाँ बिल्कुल शुरू किया। अब्बा ने पूछा क्या हुआ कारोबार में, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आपने कहा कि अब्बा मुझे प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख रुपए का मुझे प्रॉफिट हो गया। ये आपने अपने वाले साहब को ये बात बताई। अब आपके वाले साहब ये सुनकर कह रहे हैं अच्छा 3 लाख रुपए तो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थे जो कि मैंने तुम्हें दिए थे। आपने बोला हाँ 3 लाख रुपए मेरे पास मौजूद थे। आपके वाले साहब ने कहा कि और तुम्हें प्रॉफिट कितने का हुआ, आपने बोला सर 1 लाख रुपए का, यानी वाले साहब मैंने मुझे जो है वो 1 लाख रुपए का जो है वो प्रॉफिट हो गया। 3 लाख रुपए आपके पास मौजूद थे, 1 लाख रुपए का आपको मुनाफा हो गया, तो अब बताइए आपके कारोबार में कितने पैसे हो जाएंगे। आप बोलेंगे 4 लाख रुपए हो गए, 3 लाख रुपए का मुनाफा था जो कि 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी जो कि मैंने खुद इन्वेस्ट किए थे कारोबार में, और 1 लाख रुपए जो है वो मुझे मुनाफा हुआ, तो मुनाफे की वजह से भी जो है वो मेरे पास पैसे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। मैंने लगाया था कारोबार में 3 लाख रुपए, 1 लाख रुपए के मुनाफे होने की वजह से अब मैं मालिक 3 लाख रुपए का नहीं रहा, बल्कि अब मैं कितने का मालिक हो जाऊंगा, अब मैं
4 लाख रुपए का मालिक हो जाऊंगा, तो जो मेरा प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट की वजह से जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था कारोबार में, यानी जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी, वो मेरी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। यानी अब मैं 3 लाख का मालिक नहीं कहलाऊंगा, बल्कि अब मैं कारोबार में कितने का मालिक कहलाऊंगा, अब मैं कारोबार में 4 लाख रुपए का मालिक कहलाऊंगा। तो प्रॉफिट होने की वजह से मेरा कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। इसीलिए अपने प्रॉफिट को मैं अपने कैपिटल में क्या कर रहा हूं, मैं उसे अपने कैपिटल में ऐड कर रहा हूं। इसीलिए हमने प्रॉफिट को अपने कैपिटल में क्या किया, ऐड किया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा मैंने यहां पर एड एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये तो मैंने आपको साल के आखिर की बात बता दी। अचानक बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि फॉर एग्जाम्पल 4-5 महीने के बाद मैंने वाले साहब के पास गया। मैंने वाले साहब से कहा कि भाई आपने मुझे 3 लाख रुपए दिए थे, वो कम पड़ रहे हैं, मुझे और कुछ पैसे चाहिए। आपके वाले साहब ने कहा ठीक है, मांग तो ऐसे रहो जैसे लॉलीपॉप के लिए पैसे मांग रहे हो, कितने पैसे चाहिए? आपने बोला बस 80,000 रुपए चाहिए। आपके वाले साहब ने कहा ठीक है ये लो 80,000 रुपए। तो आपके वाले साहब ने आपको मजीद 80,000 रुपए और दिए, जिसे आपने अपने कारोबार में क्या किया, इन्वेस्ट किया। पहले आपके वाले साहब कितने पैसे दे चुके थे, जिसे आप कारोबार में इन्वेस्ट कर चुके थे, वो थे 3 लाख रुपए। 80,000 रुपए आपने अपने कारोबार में मजीद इन्वेस्ट किए, तो जो पैसा आप मजीद इन्वेस्ट कर रहे हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, खुद देखिए लफ्ज देखिए कितना क्लियर समझ में आ रहा है, एडिशनल यानी मजीद इन्वेस्टमेंट, मजीद पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो पैसा आप मजीद इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे अब आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जरा पूरी कहानी को दोबारा समझते हैं। कारोबार में पहले कितने पैसे लगाए थे? सर हमने 3 लाख रुपए लगाए थे। तो आप कितने के मालिक हुए? सर हम 3 लाख के मालिक हुए। फिर आपने मजीद कितने पैसे लगाए वाले साहब से लेकर? सर हमने 80,000 रुपए और लगाए वाले साहब से लेकर। तो अब आप कितने के मालिक हो गए? सर हम 3,80,000 रुपए के मालिक हो गए। मैंने बोला ठीक है, अगर आप 3,80,000 रुपए के मालिक हो गए तो आपको प्रॉफिट भी हुआ। आपने बोला हाँ जी बिल्कुल प्रॉफिट हुआ हमें। कितने का प्रॉफिट हुआ आपको? 1 लाख रुपए का। क्या अब भी आप 3,80,000 रुपए के मालिक होंगे? आप बोलेंगे नहीं सर, अब 3,80,000 का मालिक नहीं हूं मैं, अब मैं 4,80,000 रुपए का मालिक बन जाऊंगा, क्योंकि 3,80,000 रुपए तो मैंने लगाए थे, अपनी जेब से लगाए थे, उसका तो मैं मालिक था ही। इसके अलावा अगर 1 लाख रुपए का मुझे मुनाफा हो जाता है तो उस 1 लाख पर भी मेरा ही हक है, उसका मालिक भी मैं ही हूं। तो 1 लाख का भी मालिक मैं हूं, 3,80,000 का मालिक भी मैं हूं, तो मैं कितने का मालिक हो गया? मैं 4,80,000 रुपए का मालिक हो गया। तो बेसिकली आपने क्या किया, 3 लाख में आपने अपने प्रॉफिट को भी ऐड किया और 3 लाख में आपने अपनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट को भी ऐड किया। अब आगे की बात ज़रा समझिएगा, कारोबार आप क्यों करते हैं? कारोबार आप इसलिए करते हैं ताकि आप कारोबार से पैसा कमा सकें और इस पैसे से आप अपनी जरूरियात यानी अपने घर को चला सकें, अपनी जरूरियात को पूरा कर सकें। तो जाहिर सी बात है आप कारोबार में से कुछ पैसा घर भी तो लेकर जाएंगे, तो आपने इसमें से कुछ पैसा निकाला और पैसा निकालकर आप अपने घर ले गए। कितना पैसा आप घर ले गए? आप ले गए 30,000 रुपए अपने घर ले गए। जो पैसा कारोबार से आप अपने जाति इस्तेमाल के लिए निकालकर घर ले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर हम उसे बचपन में पढ़ा था हमने कभी, हम उसे कहते हैं ड्राइंग। तो 30,000 रुपए अगर आप निकालकर घर ले जाते हैं तो बताइए क्या अब भी आप 4,80,000 रुपए के ही मालिक होंगे? आप बोलेंगे नहीं सर, जैसे ही मैं पैसा कारोबार से घर ले जाऊंगा, कारोबार में मेरी मिल्कियत यानी कारोबार में मेरा हिस्सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ड्राइंग की वजह से आपका हिस्सा कारोबार में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी अब आप 4,80,000 के बजाय अब आप 4,50,000 रुपए के मालिक रह जाएंगे। तो ड्राइंग को आपने क्या किया, ड्राइंग को आपने अपने हिस्से में से लेस कर दिया, माइनस कर दिया। तो इसलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेस ड्राइंग 30,000। यानी आपने जो कैपिटल लगाया था 3 लाख रुपए स्टार्ट के कैपिटल में, आपने अपने प्रॉफिट को भी ऐड किया, आपने अपनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट को भी ऐड किया, लेकिन ड्राइंग को आप क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। लेस करने के बाद यहाँ पर साल खत्म हो जाता है और मैं आपसे पूछता हूँ बताइए अब आप कितने के मालिक हैं? तब आपका जवाब होगा सर मैं जो इस वक्त साल के आखिर पर जो मैं मालिक हूँ इन्वेस्टमेंट का, वो कितने का मालिक हूँ? मैं मालिक हूँ 4,50,000 रुपए का। यानी जो मेरा कैपिटल कहलाएगा एंड का, बिल्कुल साल के आखिर पे, वो कितने का कैपिटल कहलाएगा मेरा? 4,50,000 रुपए का। कि सर मैं इस वक्त 4,50,000 रुपए का मैं मालिक हूँ। साल के शुरू में कैपिटल कितना था मेरे पास? 3 लाख रुपए का। लेकिन जब साल खत्म हुआ तो मैं कितने का मालिक हूँ? मैं 4,50,000 रुपए का मैं मालिक हूँ। ये मेरा कहलाएगा कैपिटल एट एंड। कैपिटल एट स्टार्ट कितना था? 3 लाख रुपए। कैपिटल एट एंड कितना है? 4,50,000 रुपए। अब इस पूरी बात को, जो बात मैंने अभी वर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट की है, इसको मैं किसी और अंदाज से प्रेजेंट करता हूँ। अच्छा एक और बात बता दूं, ये आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। इसके बाद आप क्या करते हैं कि देखिए लेफ्ट साइड पर आपके लिखे हुए थे एसेट्स। एसेट्स में दो एसेट थे, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। इनका दोनों को टोटल करेंगे आपके पास आ जाएंगे टोटल एसेट्स, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरीके से इक्विटीज साइड पर लिखी हुई थी आपकी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में क्या लिखा हुआ था, सॉरी इक्विटीज साइड पर आपकी लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी थी। तो लाइबिलिटीज का जो भी अमाउंट आएगा और जो ओनर्स इक्विटी का अमाउंट आया 4,50,000, इनको प्लस करेंगे तो आपके पास क्या जाएंगी, टोटल इक्विटीज। ये आपकी बैलेंस शीट यहाँ पर हो जाती है कंप्लीट। बहरहाल फिलहाल मैं बैलेंस शीट नहीं समझा रहा, मैं आपको कुछ और समझा रहा था इक्विटीज सेक्शन।
क्वेश्चन को। तो इक्विटी के मुताबिक देखिएगा, ओनर्स इक्विटी का जो आंसर आया वो कितना आया, 4,50,000 रुपए। ये कैसे आया? आपने क्या मालूम किया? आपने कैपिटल एट एंड मालूम किया। कैसे मालूम किया सर, उसको समझिएगा। कैपिटल एट एंड इज इक्वल टू कैपिटल एट एंड कैसे आया सर? सबसे पहले हमने कैपिटल एट स्टार्ट लिखा, तो आपने यहां लिखा इज इक्वल टू कैपिटल एट स्टार्ट। कैपिटल एट स्टार्ट में आपने ऐड किया, किसको ऐड किया सर? हमने इसमें अपने प्रॉफिट को ऐड किया, तो मैंने यहां पे लिखा प्लस प्रॉफिट। फिर क्या किया आपने सर? हमने इसमें अपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट को ऐड किया, यानी प्लस किया, तो मैंने भी यहां पे लिखा प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट। फिर क्या किया सर? फिर हमने इसमें से ड्राइंग को माइनस किया, तो मैंने भी यहां पे लिखा लेस, यानी माइनस ड्राइंग। यानी जो बात ऊपर लिखी हुई है, कैपिटल एट स्टार्ट, कैपिटल स्टार्ट, एड प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट, एड एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट, लेस ड्राइंग माइनस ड्राइंग। यानी बस एड की जगह पे प्लस लगा रहा हूं और लेस की जगह पे क्या लगा रहा हूं, माइनस। अच्छा, ये करने के बाद मेरे पास क्या आ गया? ये करने के बाद मेरे पास कैपिटल एट एंड आ गया, यानी इज इक्वल टू कैपिटल एट एंड। ये कैपिटल एट एंड के बराबर हो गया। तो कैपिटल एट एंड का फॉर्मूला क्या बना, ये इस वक्त आपके सामने मौजूद है। कैपिटल एट स्टार्ट प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट माइनस ड्राइंग। सर ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास कैपिटल एट एंड का। अच्छा, अब आगे की बात पढ़ते हैं। कैपिटल एट एंड की जगह पे मैंने कैपिटल एट एंड की वैल्यू पुट की, कितनी पुट की मैंने, 4,50,000 रुपए। कैसे लिखी, ये यहां से देख के लिखी, 4,50,000 रुपए इज इक्वल टू की जगह पे मैंने इज इक्वल टू लिखा। फिर लिखा हुआ है कैपिटल एट स्टार्ट, तो कैपिटल एट स्टार्ट की जगह पे मैंने कैपिटल एट स्टार्ट की वैल्यू पुट की, जो कि कितनी लिखी हुई यहाँ पर, 3 लाख, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट की 3 लाख। फिर लिखा हुआ है प्लस प्रॉफिट, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कीजिए कि प्रॉफिट हमसे खो गया, यानी प्रॉफिट हमें मालूम नहीं है, बाकी सारी चीजें मालूम है, बस प्रॉफिट हमें मालूम नहीं है। तो प्रॉफिट अगर मालूम नहीं है सर, कोई बात नहीं, प्रॉफिट की जगह पे आप प्रॉफिट लिख दे, हम मालूम करके आपको बताएंगे सर। तो प्लस की जगह पे प्लस लिखा और प्रॉफिट की जगह पे मैंने प्रॉफिट ही लिखा। फिर क्या लिखा हुआ प्लस, तो मैंने लिखा प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 80,000, तो मैंने लिखा प्लस 80,000। जो कुछ जैसे लिखा हुआ है फॉर्मूले के मुताबिक एज इट इज वैल्यूज पुट करते जा रहा हूं। इसके बाद लिखा हुआ है माइनस ड्राइंग, तो मैंने यहां पर लिखा माइनस की जगह पे माइनस, और ड्राइंग की वैल्यू कितनी थी सर, ड्राइंग की वैल्यू थी 30,000, वो वैल्यू उठाकर हमने यहां पर पुट कर दी। यानी जो हमने पहले इक्वेशन बनाई थी बैलेंस शीट को देखते हुए, उस इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट की, जो वैल्यूज मालूम थी वो वैल्यूज पुट कर दी, और जो वैल्यू मालूम नहीं थी, यानी क्या मालूम नहीं था हमें सर, हमें प्रॉफिट मालूम नहीं था, तो जो मालूम नहीं था उसकी जगह पे मैंने वही लव्ज लिख दिया, यानी प्रॉफिट का ही लव्ज मैंने उठाकर लिख दिया। बाकी सब की जगह पे कैपिटल एट एंड की जगह पे 4,50,000, कैपिटल एट स्टार्ट की जगह पर 3 लाख, एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जगह पर 80,000, और ड्राइंग की जगह पर 30,000, ये मैंने वैल्यूज पुट की। अब सिंपल मैथमेटिक्स है, आप लोग माशाल्लाह से मैथमेटिक्स में बहुत एक्सपर्ट हैं, अच्छे हैं, अच्छी समझ में आती है आपको। अगर मुझे प्रॉफिट की वैल्यू मालूम करनी है, यानी समझिए प्रॉफिट नहीं, ये x है आपके लिए, x की वैल्यू मालूम करनी है, तो क्या करना चाहिए सर? x को यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि x यहाँ पे प्लस में, x को यहीं छोड़ दीजिए, बाकी सारी वैल्यूज को उठाकर इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर ले आइए। अब बोलेंगे सर हमने तो ये पढ़ा था कि x को लेफ्ट साइड पर ले आइए और नंबर को सारे राइट साइड पर ले आइए, आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम काम कुछ इस तरीके से करते हैं कि हमें x की वैल्यू अगर मालूम करनी है तो x की वैल्यू प्लस में रहनी चाहिए। अभी देखिए प्रॉफिट यहाँ पे किसमें है, प्लस में। अगर मैं प्रॉफिट को यानी x को उठाकर इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर लेकर आ जाऊं तो ये यहाँ पर प्लस है, लेफ्ट साइड पर आके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमें x माइनस में नहीं चाहिए होता, यानी हमें जो चीज मालूम करनी है उसकी वैल्यू माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो प्रॉफिट को अगर आप लेफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे तो प्रॉफिट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। आंसर फिर भी आ सकता है लेकिन वो थोड़ी सी अजीब सी बात हो जाएगी, फिर आपको थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन यानी मेरा मशवरा यही है कि आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, बाकी तमाम नंबर्स को उठाकर आप इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाइए। यही करना हमें यह है कि अंग्रेजों को एक तरफ कर दीजिए और जिनको मैथमेटिक्स आती है उनको एक तरफ कर दीजिए, यानी सारे नंबर्स को एक तरफ कर दीजिए और जो अंग्रेजी लिखी हुई है उस अंग्रेजी को एक तरफ कर दीजिए। तरीकेकार यह है, तो देखिए इंग्लिश क्या लिखी हुई है, प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैं यहीं छोड़ रहा हूं, बाकी सारे नंबर यानी 3,80,000 और 30,000 इन सबको उठाकर मैं इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर लेकर जा रहा हूं। अब लेफ्ट साइड पर जो पहले से मौजूद है उसको तो वहीं पर छोड़ दीजिए, लेफ्ट साइड पर पहले से क्या मौजूद है सर, 4,50,000 यहां पर पहले से मौजूद है। अब इन सबको उठाकर मैं इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर लेकर जा रहा हूं तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, नीचे देखिएगा 4,50,000 अपनी जगह पर वैसे का वैसे ही मौजूद रहा। मैं आप यहां से शुरू कर सकते हैं, 3 लाख से शुरू कर रहे हैं, मैं राइट साइड से शुरू कर रहा हूं 30,000 से, 30,000 यहां पे किसमें लिखा हुआ है, माइनस में। जब मैं इसे लेफ्ट साइड पर लेकर आऊंगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो देखिए यहां पे लेफ्ट साइड पे आगे किसमें कन्वर्ट हो गया, 4,50,000 में 30,000 क्या कर रहा हूं मैं, प्लस कर रहा हूं। इसके बाद बारी किसकी, 80,000 की।
80,000 किस में लिखा हुआ है, 80,000 यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस में। अगर मैं इसे लेफ्ट साइड पर ले जाऊं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। तो लेफ्ट साइड पर आके किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया माइनस में। इसके बाद प्रॉफिट को मुझे लेकर नहीं जाना, प्रॉफिट को मुझे यही छोड़ना, प्रॉफिट को मैंने यही छोड़ दिया। इसके बाद बारी किसकी है, 3 लाख की। 3 लाख यहाँ पे किस में मौजूद है सर, 3 लाख से पहले कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यानी इसका मतलब ये कि इससे पहले जो है वो प्लस की साइन होगी। तो 3 लाख से पहले जो है वो प्लस की साइन है। अगर मैं इसे लेफ्ट साइड पर लेकर जाऊं तो 3 लाख किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इसे जब लेफ्ट साइड पर लेकर आया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया। यानी सारे नंबर्स जो यहाँ पर मौजूद थे इज इक्वल टू के राइट साइड पर, इनको मैं किसके पास ले गया, इनको मैं डॉक्टर साहब के पास ले गया, जो कि 4,50,000 के नाम से डॉक्टर साहब मौजूद है यहाँ पर। जब ये डॉक्टर साहब के पास आए तो इन सब की साइन क्या हो गई, इन सब की तबीयत जो है वो बदल गई। जिसकी साइन प्लस में थी वो माइनस में होगा, जिसकी साइन माइनस में थी वो सब किस में हो गई, वो सब प्लस में हो गई। तो डॉक्टर साहब के पास आते ही सबकी तबीयत बिल्कुल बदल गई, जो खराब थे वो सही होगा, जो सही थे वो खराब होगा। तो सबकी साइन मैंने बदल दी। अब इज इक्वल टू के राइट साइड पर क्या रह गया, जब सारे नंबर छोड़कर लेफ्ट साइड पर चले गए तो इज इक्वल टू के राइट साइड पर सिर्फ अंग्रेज रह गए, कितना रह गया वो प्रॉफिट के नाम से रह गया, सिर्फ प्रॉफिट रह गया इज इक्वल टू के राइट साइड पर। बाकी सारे नंबर्स कहां जा चुके हैं, बाकी सारे नंबर्स इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर जा चुके हैं। अब क्या करेंगे, 4,50,000 में प्लस कीजिए 30,000 को, माइनस कीजिए 80,000 को और माइनस कीजिए 3 लाख को, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, वो प्रॉफिट के बराबर होगा। कैलकुलेट करके देखेगा अपने कैलकुलेटर पर, आपके पास आंसर कितना आएगा, 1 लाख। तो प्रॉफिट कितना शो हो रहा है आपका, 1 लाख। और अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर भी हमारा प्रॉफिट कितना था सर, हमारा प्रॉफिट ऊपर 1 लाख रुपए था। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने प्रॉफिट मालूम किया, कैसे मालूम किया, हमने 4 चीजों की मदद से अपने प्रॉफिट को मालूम किया। वो 4 चीजें क्या हैं, वो 4 चीजें कैपिटल एट एंड, कैपिटल एट स्टार्ट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ड्राइंग। यानी हम प्रॉफिट इस तरीके से भी मालूम कर सकते हैं। देखिए आपने फर्स्ट ईयर में एक तरीका पढ़ा था, जिन लोगों ने पढ़ा उनकी बात कर रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट पढ़ी थी कि हम इनकम स्टेटमेंट से अपने प्रॉफिट या लॉस को मालूम करते हैं। लेकिन अगर इनकम स्टेटमेंट नहीं है तो हम इस तरीके से भी अपने प्रॉफिट या लॉस को मालूम कर सकते हैं। इन 4 चीजों की मदद से भी आप अपने प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी मिसाल इस वक्त आपके सामने मौजूद है। अब कैसे कैलकुलेट किया, ये सारी कैलकुलेशन तो मैंने शो कर दी, अब मैं इसको एक फॉर्मूले की शक्ल देने जा रहा हूँ, उस फॉर्मूले को देखिएगा। ये जो पीछे सारा काम किया था वो सारा काम मैंने एक बार यहाँ पे फिर से आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, ताकि जो मैं आपको समझाने जाऊँ वो आपको मेरी बात समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, आपने प्रॉफिट मालूम करने के लिए कैपिटल एट एंड लिखा। कैपिटल एट एंड कितना है, 4,50,000। नीचे देखिएगा मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, सबसे पहले आपने लिखा कैपिटल एट एंड, फिर आपने इसमें प्लस किया, किसको प्लस किया आपने इसमें, आपने इसमें 30,000 को प्लस किया। ये 30,000 किस चीज का अमाउंट था सर, ये 30,000 था ड्राइंग का अमाउंट, आपने इसमें इसको क्या किया, प्लस किया। तो मैंने यहाँ पर लिखा प्लस ड्राइंग। फिर आपने क्या किया सर, हमने इसमें से माइनस किया है 80,000 को, ये 80,000 किसका अमाउंट था सर, ये 80,000 एडिशनल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट था, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट। फिर आपने क्या किया सर, हमने माइनस किया इसमें से 3 लाख को, ये 3 लाख किसका अमाउंट था, ये 3 लाख था कैपिटल एट स्टार्ट का अमाउंट, तो मैंने भी यहाँ पर लिखा माइनस कैपिटल एट स्टार्ट। ये सब करने के बाद आपके पास क्या आ गया सर, ये सब करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट आ गया था, यानी इज इक्वल टू प्रॉफिट। जो ऊपर मैंने वैल्यूज लिखी, यहाँ पर उसी पूरे फॉर्मूले को मैंने वैल्यूज की जगह पर अंग्रेजी लिख दी, 4,50,000 की जगह पर कैपिटल एट एंड, 30,000 की जगह पर ड्राइंग, 80,000 की जगह पर एडिशनल इन्वेस्टमेंट और 3 लाख की जगह पर कैपिटल एट स्टार्ट। ये सब करने के बाद आपको क्या पता चल गया सर, ये सब करने के बाद हमें प्रॉफिट पता चल गया, जो कि कितना था, 1 लाख रुपए। तो जो ऊपर नंबर्स लिखे हुए थे उन नंबर्स को मैंने कन्वर्ट किस में कर दिया, मैंने उन नंबर्स को कन्वर्ट कर दिया एक फॉर्मूले की शक्ल में। अच्छा, इस फॉर्मूले की जो शक्ल है ये बिल्कुल आपके सामने सही शक्ल है, लेकिन जो आप इसको प्रेजेंट करेंगे वो इस अंदाज से प्रेजेंट करेंगे। कैसे, और ये इसकी एक्चुअल शक्ल है, क्या शक्ल है, बस मैंने आगे पीछे कर दिया, लेफ्ट साइड को राइट साइड पे कर दिया और राइट साइड को मैंने जो है वो लेफ्ट साइड पे कर दिया। यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एट एंड प्लस ड्राइंग, ये लिखा हुआ है कैपिटल एट एंड प्लस ड्राइंग, माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट और माइनस कैपिटल स्टार्ट, वही लिखा हुआ है माइनस कैपिटल स्टार्ट और माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट। यानी थोड़ा सा आगे पीछे हो गया लेकिन रहेगा यही, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी सिचुएशन पर, बिल्कुल सही सिचुएशन है आपकी। बस फॉर्मूले को, जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या बनता है, ऊपर पूरी कैलकुलेशन है आपके सामने मौजूद है, चाहे तो आप दोबारा यहाँ पर वैल्यूज पुट करके देखेगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एट एंड प्लस ड्राइंग माइनस कैपिटल एट स्टार्ट माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एट एंड की जगह पे आप कितना पुट कर लीजिएगा, 4,50,000, प्लस ड्राइंग की जगह पे कितना पुट कर दीजिएगा आप, 30,000, क्योंकि ड्राइंग 30,000 है, माइनस कैपिटल एट स्टार्ट की जगह पे कितना पुट कर दीजिएगा आप, 3 लाख,
और माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जगह पे कितना पुट कर दीजिएगा आप 80,000, और सॉल्व करके देखिएगा आपके पास प्रॉफिट का आंसर आ जाएगा जो कि कितना बनेगा 1,00,000 रुपए। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या बनता है जहन में रखिएगा, पूरी सिंगल एंट्री आपकी इसी पर बेस करेगी, पूरा सिंगल एंट्री का जो टॉपिक है सारे सवाल इसी फॉर्मूले के ऊपर आपके बेस करेंगे। क्या फॉर्मूला है वो आपका, फॉर्मूला इज दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एट एंड प्लस ड्राइंग माइनस कैपिटल स्टार्ट माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को बिल्कुल अच्छे तरीके से जहन में रखिएगा। मैंने आपको लॉजिक के साथ एक्सप्लेन किया कि ये फॉर्मूला बना कैसे। ये फॉर्मूला बेसिकली बैलेंस शीट से हमने ड्राइव किया, करते 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 हम यहां तक पहुंचे कि इसका फॉर्मूला ये बनता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बैलेंस शीट मैंने आपके सामने फिर प्रेजेंट किया, जिन लोगों ने बैलेंस शीट पढ़ी उनको याद होगा, जिनको नहीं जिन्होंने नहीं पढ़ी तो उनके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि देखिए बैलेंस शीट की दो साइड्स हैं, एसेट्स और इक्विटीज। एसेट साइड पे आप सबसे पहले लिखते हैं करंट एसेट्स। सपोज कर लेते हैं हमारे पास जितने भी करंट एसेट्स हैं उनका टोटल कितना बनता है 3,00,000 रुपए। इसके बाद फिक्स एसेट्स लिखते हैं, जितने भी फिक्स एसेट्स हों उनका टोटल बनता है सपोज 2,00,000 रुपए। तो ये आपने लिखे करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। इसके बाद इक्विटीज साइड पर आप लिखते हैं लाइबिलिटीज, सपोज लाइबिलिटीज का टोटल कितना है 1,00,000 रुपए। और फिर आप लिखते हैं ओनर्स इक्विटी। अच्छा, आपको शायद फर्स्ट ईयर में ये बात बताई गई थी या नहीं कि ओनर्स इक्विटी कहें या कैपिटल कहें, क्योंकि अभी अभी आपने पीछे देखा कि ओनर्स इक्विटी के सेक्शन में हमने सारी बात किसकी की थी, हमने सारी बातें कैपिटल के बारे में ही की थी। तो आप इसे ओनर्स इक्विटी कहें या आप इसे कैपिटल कहें, एक ही बात होती है। तो फिलहाल मैं यहां पर कैपिटल का लफ्ज इस्तेमाल करने जा रहा हूं, क्योंकि यहां पर कैपिटल का लफ्ज है वो सही मायने में आपको बात समझ आ सकता है। तो कैपिटल का अमाउंट कितना है 4,00,000। अब जरा गौर कीजिए, आपकी हमेशा बैलेंस शीट ऐसे होगी कि जब आप एसेट साइड का टोटल करें तो एसेट साइड पर दो एसेट्स हैं, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स, 3,00,000 और 2,00,000 दोनों को मिला लूं तो कितना बनता है, ये एसेट्स का टोटल आ गया 5,00,000। इक्विटी साइड पर दो चीजें हैं, लाइबिलिटीज और कैपिटल। लाइबिलिटीज 1,00,000 और कैपिटल कितना 4,00,000, इनका टोटल करें तो ये कितना बनता है, ये भी बनता है आपके पास 5,00,000। और बैलेंस शीट ऐसे ही होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए कि बैलेंस शीट जब बराबर करें तो दोनों साइड्स यानी एसेट साइड का टोटल और इक्विटी साइड का टोटल दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अच्छा, अब आप गौर कीजिए, अगर मैं इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करूं तो फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला कुछ ऐसे बनता है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। जितने भी एसेट्स थे, एसेट्स कितने हैं 5,00,000, इज इक्वल टू बराबर है, ये दोनों बराबर है, किसके बराबर है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। यानी अगर आप लाइबिलिटीज में कैपिटल को प्लस करें, देखिए लाइबिलिटीज कितनी है 1,00,000, कैपिटल कितना है 4,00,000, जब आप इन दोनों को प्लस करें तो कितना बनेगा ये 5,00,000। और वो 5,00,000 किसके बराबर है, सर वो 5,00,000 बराबर है हमारे एसेट्स के। यानी जो एसेट्स का टोटल होगा वो बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, वो आपके लाइबिलिटीज और कैपिटल के दोनों के टोटल के बराबर होगा। ये आपकी इक्वेशन बनती है, इसे हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, और इसी को हम कहते हैं बैलेंस शीट इक्वेशन। जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर में इक्वेशन पढ़ी उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी उनको मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दी कि आपकी जो इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म में है कि आपकी जो भी लाइबिलिटीज होंगी जब आप उसमें अपने कैपिटल को ऐड करें, लाइबिलिटीज कितनी 1,00,000, कैपिटल कितना 4,00,000, इन दोनों को जब आप ऐड करें तो कितना बनता है 5,00,000। वो 5,00,000 किसके बराबर है, वो 5,00,000 हमारे इक्वल है, इक्वल है किसके इक्वल है, हमारे एसेट्स के इक्वल है। यानी एसेट्स बराबर हैं लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। अब एक और बात जरूरी समझिएगा, वो क्या, एसेट्स मैंने लिखे 5,00,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटीज मैंने लिखी 1,00,000 प्लस कैपिटल खा गया मैं, यानी कैपिटल में भूल गया। अगर कैपिटल की वैल्यू मालूम करनी हो तो बताइए क्या करना पड़ेगा, सर कैपिटल की वैल्यू यहां पर प्लस में है, इसको यहीं छोड़ दीजिए, नंबर को उठाकर एक तरफ कर लीजिए, यानी 1,00,000 को उठाकर इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर ले आइए। तो 1,00,000 यहां पे प्लस में, अगर मैं इसे लेफ्ट साइड पर ले आऊं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सर ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5,00,000 माइनस 1,00,000 इज इक्वल टू कैपिटल। तो 5,00,000 में से अगर मैं 1,00,000 माइनस करूं तो कैपिटल का आंसर कितना आएगा, सर कैपिटल का आंसर आएगा 4,00,000। और ऊपर चेक कीजिए, ऊपर भी कैपिटल का आंसर यही शो हो रहा है 4,00,000। तो बेसिकली आपने कैपिटल कैसे मालूम किया, जरा मेरी बात को एक्सप्लेन कीजिएगा। सर हमने कैपिटल ऐसे मालूम किया कि हमने 5,00,000 में से 1,00,000 को माइनस किया तो हमारे पास कैपिटल आ गया। अब ये 5,00,000 किस चीज का आंसर था, सर ये 5,00,000 आंसर था एसेट्स का, आपने एसेट्स की वैल्यू यहाँ पे पुट की 5,00,000। और 1,00,000 किसका आंसर था, सर 1,00,000 आंसर था लायबिलिटीज का। यानी आपने अपने एसेट्स में से अपनी लायबिलिटीज को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो आपको किसका आंसर पता चल गया, सर आपको कैपिटल का आंसर पता चल गया। यानी हम कैपिटल कैसे मालूम कर सकते हैं, हम कैपिटल ऐसे मालूम कर सकते हैं कि हम अपने एसेट्स में से अपनी लायबिलिटीज को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हम क्या मालूम कर सकते हैं, हम कैपिटल मालूम कर सकते हैं। अगली स्लाइड देखिएगा, कैपिटल हम कैसे मालूम कर सकते हैं, कैपिटल हम ऐसे मालूम कर सकते हैं कि अपने तमाम एसेट्स में से तमाम लायबिलिटीज को क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं, तो हम क्या मालूम कर सकते हैं, हम कैपिटल मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट कैसे मालूम कर सकते हैं, वो मैं आपको पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं, कैपिटल एट एंड
प्लस ड्राइंग माइनस कैपिटल एट स्टार्ट और माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट। इन दो फॉर्मूलों को बिल्कुल अच्छे तरीके से आप अपने जहन में रख लीजिए। पूरी सिंगल एंट्री आपकी इन्हीं दो फॉर्मूलों पर बेस करेगी। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो प्रॉफिट का फॉर्मूला है, जो कि आपको हर सूरत में याद रखना है। कैपिटल के फॉर्मूले की हमें कभी जरूरत पड़ेगी और कभी जरूरत हमें इसकी नहीं पड़ेगी। तो जहां हमें इसकी जरूरत पड़ेगी हम कैपिटल का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और अगर कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूले की तो हम इसे इग्नोर करके डायरेक्ट प्रॉफिट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो पूरी सिंगल एंट्री में बस ये दो फॉर्मूले अपने जहन में बिठा लीजिए, इंशाल्लाह आपको आसानी होगी। अच्छा, एक आखिरी बात डिस्कस करते हैं, उसके बाद अपने लेक्चर को खत्म करते हैं। वो आखिरी बात क्या है कि दो सिस्टम थे, एक डबल एंट्री सिस्टम है और एक सिंगल एंट्री सिस्टम है। ये बात मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। डबल एंट्री सिस्टम में जिन स्टूडेंट्स ने पूरी अकाउंटिंग पढ़ी पिछले साल, यानी फर्स्ट ईयर में पूरी अकाउंटिंग पढ़ी, उन्होंने ये बात पढ़ी होगी कि हम दो चीजें वहां पर बनाते थे, एक इनकम स्टेटमेंट बनाते थे और दूसरी बैलेंस शीट बनाते थे। डबल एंट्री सिस्टम में जो इनकम स्टेटमेंट थी, जब वही इनकम स्टेटमेंट आप सिंगल एंट्री सिस्टम में बनाते हैं तो उसका नाम तब्दील हो जाता है। इनकम स्टेटमेंट का नाम हम यहां पर क्या रख देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और जो फर्स्ट ईयर में बैलेंस शीट थी, जिस जो प्रेजेंट मैंने अभी आपके सामने की, बैलेंस शीट का मैंने आपके सामने खाका प्रेजेंट किया, उसे हम डबल एंट्री सिस्टम में क्या कहते थे, बैलेंस शीट कहते थे। वही बैलेंस शीट जब आप सिंगल एंट्री सिस्टम में बनाएंगे तो उसका नाम तब्दील होकर क्या रख दिया जाएगा, उसका नाम तब्दील करके रख दिया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। मेरी बात को सुकून से समझ लीजिए। जो फर्स्ट ईयर में आप बनाते थे डबल एंट्री सिस्टम में इनकम स्टेटमेंट, वही इनकम स्टेटमेंट जब आप सिंगल एंट्री सिस्टम से बनाएंगे तो उसका नाम तब्दील हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा उसका, उसका नाम हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और जो फर्स्ट ईयर में आप बनाते थे डबल एंट्री सिस्टम के तहत बैलेंस शीट, उसका नाम तब्दील करके यहां पर रख दिया जाएगा सिंगल एंट्री सिस्टम में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कॉन्सेप्ट वही है, तरीकेकार वही रहेगा काफी हद तक, बस सिर्फ नाम क्या हो गए, तब्दील हो गए। सिस्टम चेंज होने की वजह से इनके नाम क्या हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए कि जैसे कि रोजा, यानी कि जो रोजा रखते हैं वो हम भी रखते हैं, वो क्रिश्चियन भी रखते हैं, वो हिंदू भी रखते हैं, लेकिन क्योंकि सिस्टम अलग अलग है तो सिस्टम अलग अलग होने की वजह से थोड़ी सी तब्दीली है इन चीजों में, थोड़ी थोड़ी सी मामूली मामूली सी तब्दीली है, और साथ साथ इनके नाम भी क्या है, तब्दील है। हमारे यहाँ इसे रोजा कहा जाता है, हिंदू इसे शायद व्रत या उपवास कहते हैं, थोड़ी सी तब्दीली है उसमें, लेकिन कॉन्सेप्ट काफी हद तक सेम है। तो थोड़ी सी तब्दीली के साथ सिस्टम क्योंकि बदल गया तो उनके नाम भी क्या हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से डबल एंट्री सिस्टम में इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम में उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में हम बैलेंस शीट कहते थे, सिंगल एंट्री सिस्टम में उसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहां पर अपना एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसका एक सवाल देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको सवाल के तौर पर सॉल्व कर सकते हैं। आज के लेक्चर के हवाले से आपके जहन में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी बात हो जो कि आपको समझ में ना आई हो, तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी हमारे अब अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।